गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंघम सर इंग्लिश क्लास। आज मैं यहां पे ट्रांसफॉर्मेशन के 2024 के ऑल सेट, मतलब कितने क्वेश्चन सेटों में आए थे उसमें कुछ क्वेश्चन यहां पे मैंने आंसर्स को बताया है। आज यहां पे हम देखेंगे कैसे हम आंसर्स को उसको सॉल्व करेंगे। तो हम यहां पे काफी दिनों के बाद वीडियो लेकर आए हैं, तबीयत खराब थी, फीवर था, इसी वजह से वीडियो लॉन्ग अपलोड नहीं कर पा रहा था। आज मैं अपलोड कर रहा हूं, यहां पे ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, आप जल्दी से जाकर इन क्वेश्चंस को ध्यान में रख लेंगे और कैसे ये सॉल्व करेंगे, कैसे हम करेंगे इनको, ये आप ध्यान दीजिएगा। तो ट्रांसफॉर्मेशन के 2024 के जो क्वेश्चंस आए थे, कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे हमने लिखे हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पैसिव वाइज में बदलने को कहा गया है, पैसिव वाइज में बदलना है। बहुत से बच्चों ने वीडियो मेरे देखा होगा ट्रांसफॉर्मेशन का, जिसमें पैसिव वाइज को चेंज करना मैंने बताया है, सुपरलेटिव को चेंज करना बताया है, तो वीडियोस को वो देख लीजिएगा। और यहां पे मैं बता रहा हूं कि इसके आंसर्स क्या होंगे। तो यहां पे देखते हैं, डिड यू नॉट राइट अ लेटर, पहला क्वेश्चन जो है मैंने बोला डिड यू नॉट राइट अ लेटर, पैसिव वाइज में बदलना है। पैसिव वाइज में हमेशा जब बदलते हैं तो वर्ब का थर्ड फॉर्म हमेशा आंसर में लगाते हैं, ये आपको पता होगा। तो यहां पे देखिए मैंने क्या लिखा, डिड यू नॉट, नॉट नहीं, तो हमने आंसर को शुरू किया वॉज नॉट, वॉज नॉट सब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बना लिया, अ लेटर, वॉज नॉट अ लेटर। राइट को मैंने इसको थर्ड फॉर्म में चेंज कर लिया, रिटन लिख दिया, उसके बाद कौन, बाय यू, तो हमारा आंसर यहां पे बन जाता है वॉज नॉट अ लेटर रिटन बाय यू। क्लियर है, पैसिव वाइज में हमेशा जब बदलना तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेना, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना लेना, वर्ब का थर्ड फॉर्म आपको याद रखना ही पड़ेगा। सेकेंड क्वेश्चन यहां पे आ जाता है, शी इज राइटिंग अ लेटर टू हर फादर, राइटिंग मतलब कॉन्टिन्यूअस है, इज लगा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, और ये बोला गया, इन्होंने बोल दिया पैसिव वाइज में बदलो, पैसिव वाइज में बदलो, भाई पैसिव वाइज ने तो पता है कि वो आपका थर्ड फॉर्म तो होना ही होना है, कॉन्टिन्यूअस है, तो क्या करेंगे, देखते हैं यहां पे। शी इज राइटिंग अ लेटर टू हर फादर, सब्जेक्ट क्या बनाओगे, अ लेटर, ऑब्जेक्ट क्या है यहां पे, लेटर, अ लेटर, तो मैंने उसको सब्जेक्ट बना लिया, अ लेटर लिख लिया, ठीक है। उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब लगाया, इज हेल्पिंग वर्ब लगे ना, लगेगा ना, अ लेटर इज, अब देखो यहां आईएनजी है, कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस में बेटा जी हमेशा याद रखना बी ई आई एन जी बीन का यूज करते हैं, और परफेक्ट में बी डबल ई एन बीन का यूज कर किया जाता है, तो यहां कॉन्टिन्यूअस है तो मैंने हेल्पिंग वर्ब के बगल में बीन का यूज करा है। उसके बाद राइट, राइटिंग को राइट मतलब उसका थर्ड फॉर्म क्या होगा, रिटर्न, तो हो गया ना, अ लेटर इज बीइंग रिटर्न, किसको, टू हर फादर, तो टू हर फादर किसके द्वारा, बाय शी लगा हुआ है तो यहां पे हम हर लगाएंगे, ही लिखा हो यहां पे ही लगा होता तो क्या, तो यहां पे हमें याद रखना है कि पैसिव वाइज में जब भी हम बदलें कुछ तो हमें सबसे पहले अगर कॉन्टिन्यूअस है तो बीइंग लगेगा, परफेक्ट है तो बीइंग लगेगा, ठीक है, और वर्ब का थर्ड फॉर्म तो लगाना ही लगाना है, जब भी एक्टिव वाइज को पैसिव वाइज में बदलोगे वर्ब का थर्ड फॉर्म आपको बेटा जी लगाना ही पड़ेगा, तो क्लियर है ना, अ लेटर इज बीइंग रिटन टू हर बाय हर, ठीक है, तो यहां पे ये हमारा पैसिव वाइज में बदल दिया मैं। थर्ड क्वेश्चन बोला गया है, श्याम इज टॉलर देन एनी अदर बॉय इन द क्लास, टॉलर देन लिख दिया गया, टॉलर देन एनी अदर मतलब ये कंपरेटिव डिग्री में दिया हुआ है, कंपरेटिव डिग्री में दिया हुआ है, तो आपको बोला गया सुपरलेटिव डिग्री में बदलो। अब सुपरलेटिव में जब बदलोगे तो मुझे मालूम है टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट होता है, सुपरलेटिव में क्या लिखोगे, टॉलर को टॉलेस्ट लिखोगे,
ठीक है, तो यहां पे देखते हैं जब हम इसको सुपरलेटिव चेंज करते हैं तो ये टॉलर देन एनी अदर ये हटा देते हैं, ये कंपैरेटिव डिग्री के लिए होता है। सुपरलेटिव में बदलना है तो क्या शुरू कर देंगे, श्याम का श्याम, इज का इज, टॉलर का क्या होगा टॉलेस्ट, तो द टॉलेस्ट, समझे, द लगाना पड़ता है सुपरलेटिव में तो द टॉलेस्ट, तो श्याम इज द टॉलेस्ट। इतनी बात समझ में आ गई, मैंने कहा देन एनी अदर को हटा देना, बाकी क्या बचा बॉय इन द क्लास, तो हमने लिख दिया बॉय इन द क्लास, तो हो गया सुपरलेटिव में श्याम इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। क्लियर, सुपरलेटिव में बदलना है, कंपैरेटिव डिग्री में दिया हुआ था पेपर में, 2024 वाले पेपर में आया था कि इसको सुपरलेटिव में बदलो, तो ऐसे बदला जाता है और ऐसे बदला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाते हैं, कबड्डी इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर गेम इन इंडिया। अरे भाई ये भी पॉजिटिव डिग्री में बताया बदलो, पॉजिटिव डिग्री में बदलने के लिए मैंने कहा था शुरुआत में क्या लगाएंगे, वेरी फ्यू या नो अदर, यही तो बताया था। वीडियो जिन्होंने नहीं देखा वो वीडियो पे जाकर वीडियो देखेंगे, उसके बाद है फिर हम प्रैक्टिस करेंगे, जितने क्वेश्चंस हो सकते हैं उतनी प्रैक्टिस करेंगे, हम वीडियोस के द्वारा आपको भी प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक है, याद है कबड्डी इज द वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर गेम इन इंडिया, पॉजिटिव डिग्री में चेंज करिए। तो अब यहां पे तो मैंने बोला था कि आपको वेरी फ्यू शुरुआत में लगाना होगा जब भी पॉजिटिव डिग्री में बदलने को कहा जाए, वेरी फ्यू, क्वेश्चन नंबर फोर, वेरी फ्यू शुरुआत में जब पॉजिटिव डिग्री में बदला जाता है तो वेरी फ्यू का यूज किया जाता है, तो वेरी फ्यू क्या, गेम्स, गेम्स लिख दिया, कहां का, इन इंडिया, इन इंडिया, तो हमने देखा वेरी फ्यू गेम्स इन इंडिया, तो हमने देखा क्या कि पॉजिटिव डिग्री में जब बदला जाता है तो शुरुआत में वेरी फ्यू का यूज किया जाता है, फिर उसके बाद क्या, गेम इन इंडिया, मैंने गेम्स इन इंडिया लिख दिया। अब गेम्स है तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाओगे, आर, आर का यूज करोगे हेल्पिंग वर्ब, और देखोगे कि हमारा पॉजिटिव डिग्री क्या बता रहा, पॉपुलर, तो हमने पढ़ा था पॉजिटिव में पॉपुलर, सुपरलेटिव कंपैरेटिव में मोर पॉपुलर और सुपरलेटिव में मोस्ट पॉपुलर, पॉपुलर, तो यहां पे हम यहां पे क्या लिखेंगे, पॉपुलर लिखेंगे, और आगे पीछे हम क्या लिख देंगे, एज का यूज करेंगे। तो यहां पे देखो ये सुपरलेटिव में सेंटेंस था, लिखा था मोस्ट पॉपुलर, पॉजिटिव में क्या लिखोगे, पॉपुलर, मोर पॉपुलर, मोस्ट पॉपुलर, लिखते ना, तो यहां पे पॉपुलर, पॉपुलर के आगे एज, पीछे एज लगा देंगे, और क्या, कबड्डी, कबड्डी मैंने लिख दिया, सिंपल सेंटेंस है ये, सुपरलेटिव में दिया हुआ था और आपसे कहा गया पॉजिटिव में बदलो, तो आपने नोटिस किया कि ये सुपरलेटिव में क्यों है, द मोस्ट पॉपुलर, पॉपुलर लिखा हुआ है इसलिए सुपरलेटिव में है, जब इसको बदला जाएगा पूरा का पूरा पॉजिटिव में तो पॉपुलर निकल जाएगा केवल, और आगे पीछे एज लगा दिया जाएगा, बाकी देखो वेरी फ्यू लगाया और इस सुपरलेटिव के बाद कुछ जो कुछ दिया हुआ है गेम इन इंडिया वो मैंने लिख दिया, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगा दिया, और मोस्ट पॉपुलर का क्या होगा, पॉपुलर होगा, एज एज लगा दिया, क्या, कबड्डी, कबड्डी लिख दिया, क्लियर, तो वीडियो देखिएगा, फिर भी नहीं समझ में आया कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं वीडियो फिर से लेकर आऊंगा ट्रांसफॉर्मेशन का समझाने के लिए, पॉजिटिव डिग्री सुपरलेटिव कंपैरेटिव डिग्री कैसे बदला जाएगा, जब डाउट लिखेंगे कमेंट लिखेंगे तभी तो बता सकता हूं ना, कभी वीडियो तभी वीडियो ला सकता हूं, तो आप बताइएगा, नहीं समझ में आ रहा फिर से मैं बहुत सारे एग्जाम्पल ढेर सारे एग्जाम्पल लेकर आकर आपको समझाऊंगा। ठीक है, ये 2024 में आए थे, इसके क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करा रहा हूं कैसे आपको सॉल्व करना होगा। फिफ्थ क्वेश्चन, नन बट द ब्रेव डिजर्व द फियर, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको बोला गया है अफर्मेटिव में चेंज करो, अफर्मेटिव होता है पॉजिटिव सेंटेंस, और ये हमारा निगेटिव सेंटेंस दिया हुआ है, नन लिखा हुआ है, कोई भी नहीं, बट द ब्रेव डिजर्व द फेयर, जो ब्रेव बहादुर लोग होते हैं वही डिजर्व कर सकते हैं, तो इसको ऐसा बनाना है
कि ये पॉजिटिव में भी हो जाए और बात यही का यही मतलब निकले। आप इस सेंटेंस को ऐसा बनाओ कि अफर्मेटिव में कि अगर इसको पढ़े तो यही मतलब निकले और इसको पढ़े तो ये मतलब निकले। तो मैंने क्या इजिली कर लिया, लिखा ओनली द ब्रेव डिजर्व द फेयर, ओनली लगा दिया, केवल ब्रेव पर्सन है, ब्रेव पीपल हैं, वही डिजर्व करते हैं। बस क्लियर, ओनली द ब्रेव डिजर्व द फेयर, सिंपल सेंटेंस अफर्मेटिव में बदल गया। क्वेश्चन नंबर सिक्स, नो सूनर डिड द ट्रेन स्टॉप देन आई गॉट डाउन। पॉजिटिव में बदलने को कहा गया, फिर बता दिया गया पॉजिटिव डिग्री में बदलो। अब इन्होंने क्या, नो सूनर डिड द ट्रेन स्टॉप देन आई गॉट डाउन, मैं नीचे उतरा, तो पॉजिटिव में बदलने का है। पॉजिटिव में बदलने के लिए वेरी फ्यू या नो अदर का यूज किया जाता है, किया जाता है ना, तो वहां पे यहां से हमने लिया क्या, वेरी फ्यू या फिर नो अदर का यूज किया जाता है। तो यहां पे हमने देखा नो सूनर का यूज किया है, तो यहां सून का क्या होगा, सूनर का क्या होगा, सून, तो एज आगे एज पीछे, एज सून एज लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, एज सून एज क्या, ट्रेन रुकी, स्टॉप्ड, वो आपका थर्ड फॉर्म हमेशा, समझे, स्टॉप क्या, आई गॉट डाउन। तो इसको हमें सेंटेंस को लिखना होगा पॉजिटिव में, तो एज सून एज ट्रेन स्टॉप कॉमा लगाना है, आई गॉट डाउन, इसका आंसर यहां पे ये होगा। और ये देखिएगा कि ये क्वेश्चंस 2024 में आए थे, तो मैंने उठाकर आपको रिवीजन कराने के लिए ये वीडियो शॉर्ट बनाई है, ताकि आप इस वीडियो को देखें और देखने से, सुनने से और दिमाग लगाने से तुरंत तैयार हो जाता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। ऐसे एजुकेशन शॉर्ट और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल सिंघम सर इंग्लिश क्लास।